आगरा की महिला आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने निर्दोष सहायिकाओं की निष्पक्ष जांच के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी ने 5 सहायिकाओं से बातचीत कर आश्वासन दिया है कि 15 दिन में समिति के माध्यम से निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच के बाद निलंबित और जेल गई 2 सहायिकाओं को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आंगनबाड़ी हमारी जेल में है, उनको भी निकाला जाए और जो निरस्त की गई है आंगनबाड़ी उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। आगरा जिले में हुआ पुष्टाहार घोटाला, जिसमें 2 सहायिकाओं को जेल भेजा गया है और 13 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है। इसमें मजबूर आंगनबाड़ी सहायिकाओं का सच सुने बिना ही प्रशासन ने उन पर कड़ी कार्रवाई की है और इस प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए उनकी निष्पक्ष जांच कर उसके बाद कार्रवाई की जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने वाकई में बहुत अच्छी तरह बात रखी है, लेकिन एक बात, अब आपको अपने संगठन की, अपने प्रतिनिधि मंडल की और जिलाधिकारी महोदय का सम्मान रखने के लिए नियम से केंद्र चलाइएगा। आगरा जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आश्वासन दिया है कि प्रशासन के माध्यम से एक समिति बनाई जाएगी जो इस घोटाले की पूरी जांच करेगी। इस जांच के लिए जिलाधिकारी ने 15 दिन का समय मांगा है और सभी सहायिकाओं की निष्पक्ष जांच करने के बाद ही उन पर कोई कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बताया कि जो 2 आंगनबाड़ी सहायिका जेल में है उनकी जांच कराई जाएगी। अगर जांच में वह निर्दोष पाई जाती हैं, तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा और इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्हें आश्वासन दिया है, पहले हमने सबसे 13 आंगनबाड़ियाँ जो हमारी कार्रवाई चल रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। 2 आंगनबाड़ी हमारी जेल में है, उनको भी निकाला जाए। वहाँ बताया गया है कि उनकी बुरी दशा कर रहे हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने हमने बता दिया है कि वहाँ कोई आंगनबाड़ी से छेड़छाड़ नहीं होगी। जांच कमेटी बैठेगी, मजिस्ट्रेट जांच कमेटी होगी, जो सच्चाई होगी उसी के अनुसार आगे काम चलेगा। उसमें हमने हाथ जोड़ के कह दिया जिलाधिकारी महोदय से, इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। जब जांच कमेटी बैठेगी, मजिस्ट्रेट जाँच बैठेगी, मजिस्ट्रेट एक परमेश्वर होते हैं, तो उनकी सच्चाई में जाँच होते हुए उनको, गरीब परिवार की बेटियाँ हैं हमारी, बहनें हैं हमारी, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। ये DPO CDPO सुपरवाइजर की रणनीति के कारण जेल में गई हैं, वो निर्दोष हैं और जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है वो भी निर्दोष हैं। अगर इस पर विभाग संज्ञान ले लेता और जिले में बड़े अधिकारी संज्ञान ले लेते तो 2 महीने पहले ही ये भ्रष्टाचार खुल जाता। संज्ञान नहीं लिया जिला, यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष डालचंद चौधरी ने, जिलाध्यक्ष मंजू बाला ने अपनी पूरी टीम के साथ, सभी पदाधिकारी खड़े, इन्होंने एक ज्ञापन दिया था, लेकिन जब कहते नहीं हैं, जब रंगे हाथ पकड़ा गया तब इनको विश्वास हुआ, लेकिन इन लोगों पे विश्वास नहीं हुआ आंगनबाड़ी पे जो चिल्ला रही थी हमको लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने, ये निर्दोष हैं, राशन इन पे बिकवाया जाता है क्योंकि उनको पैसा चाहिए फ्री का। और ये यही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री महोदय, अगर मुख्यमंत्री महोदय जाँच बैठा दें, और मैं बता दूँ जाँच बैठा दें, बीच में से पार्षद को हटा दें, प्रधान को हटा दें, स्वयं सहायता समूह को हटा दें, डायरेक्ट आंगनबाड़ी से कॉन्ट्रैक्ट रखे मुख्यमंत्री और विभाग, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अन्यथा जब बीच में जो घुसेड़ दिए गए हैं ना। राजेश शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए आज जिलाधिकारी को सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष डालचंद चौधरी ने बताया कि पिछले 1 महीने पहले जिले की समस्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं की तरफ से जिला अधीक्षक और प्रदेश पदाधिकारी ने मिलकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया था, उसमें से पुष्टाहार घोटाले की बात को लिखकर दिया था, लेकिन विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया और सहायिकाओं की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज वही भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को घोटाले की मुख्य अपराधी बना दिया गया। आज हम लोगों ने हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी महिला नेत्रियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें मांग किया गया है 13 जो कर्मचारी हमारे निलंबित किए गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें बहाल किया जाए, तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। और जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, जो दो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें सही प्रकार से जांच करके उन्हें रिहा किया जाए, समझे नहीं। और आज जिलाधिकारी महोदय ने, हम 5 प्रतिनिधियों को बुलाया, उन्होंने कहा है कि नवदुर्गा चल रहा है, कोई भी हमारी माताएं बहनें दुखी नहीं होगी। उन्होंने 15 दिन का समय लिया, आप लोग काम सुचारू रूप से करें, वो भी बहाल होंगे। 15 दिन का समय दिया गया है, उन्होंने बोले 15 दिन के अंदर आपका कार्ड देखेंगे सही ढंग, सभी अपने अपने केंद्रों को खोलिए और केंद्र पर सभी लोग काम करें,
15 दिन के अंदर आप लोग स्वयं अगर कोई दिक्कत हो तो स्वयं हमें प्रतिनिधिमंडल आइए और हमें अवगत कराइए, हम सबको बहाल करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया, बिल्कुल जिलाधिकारी महोदय ने हम प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है। हम इसमें यही कहना चाहेंगे, ज्ञापन हमारी एडीएम प्रभारी लेने आई थी और उन्होंने हमें वह रिपोर्ट की डीएम साहब को, तो डीएम साहब ने भी हमें 5 प्रतिनिधियों को वहाँ अंदर बुलाया और हमारी समस्या को ध्यान से सुना और समस्या का समाधान भी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर हम अपनी कमेटी की जांच कराकर और जो निरस्त की गई हैं आंगनबाड़ी उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा, काम पर रख लिया जाएगा और डीपीओ और सीडीपीओ को इसमें जो लिप्त पाया गया उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। किसी भी आंगनबाड़ी वर्कर को अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह से सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है तो उसकी सूचना हमें दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिला अधीक्षक मुन्ना मिश्रा ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर हो रहे इस प्रकार के अत्याचार को रोकने के लिए सभी सहायकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी ने 5 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साथ बातचीत की और उनको न्याय दिलाने की बात कही। जिलाध्यक्ष मंजू वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी ने हम सभी आंगनबाड़ी सहायिकाओं से 15 दिन का समय मांगा है और पुष्टाहार घोटाले की जांच पूरी तरह से की जाएगी और जांच के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। सी न्यूज के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट। तो आंगनबाड़ी हमारी जेल में है, उनको भी निकाला जाए और जो निरस्त की गई है आंगनबाड़ी उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा।